तो इधर गाजियाबाद में आई फ्लू इंफेक्शन का सीधा असर अब देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की लंबी लाइनें सरकारी अस्पतालों में देखी जा सकती है। जिला एमएमजी गाजियाबाद में लगभग 500 से भी अधिक आई फ्लू इंफेक्शन के मरीज इलाज कराने पहुंच चुके हैं। बता दें कि लगभग एक सप्ताह से आई फ्लू का प्रकोप लगातार देखा जा सकता है। वहीं सीएमएस ने प्रभावितों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या थी, अब इस बाढ़ की समस्या के बाद ये एक नई परेशानी सामने आ चुकी है, जहां अब लोगों के सामने आई फ्लू जो है लोगों को अब डराता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अकेले गाजियाबाद में ही अब तक 500 से ज्यादा मरीज जो है सरकारी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। तमाम मरीजों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह काफी इंफेक्शियस बीमारी है। ये एक शख्स से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। वैसे में समझने वाली बात यह है कि प्रभावितों के लिए गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, लेकिन लगातार आई फ्लू के मरीज जो हैं इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तमाम अस्पतालों की यही स्थिति है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तमाम जो मरीज हैं हर उम्र वर्ग के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी को यही परेशानी आ रही है। पहले आंखों में जलन शुरू होती है, उसके बाद आंखों में खुजली की शिकायतें होती हैं, और फिर धीरे धीरे आंख लाल होता है और फिर आंख जो है सूज जाती है। अब ऐसे में डॉक्टरों ने तमाम मरीजों के लिए गाइडलाइंस जारी की है कि कोशिश करें कि जो भी संक्रमित मरीज हैं वो काले चश्मे का प्रयोग करें, ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल न करें जो बाकी के लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आम लोग हैं ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें जो संक्रमित मरीज हैं जिन कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करें कि ऐसे मरीजों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इनके लिए तमाम तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं। सर, जैसा कि इस समय आई फ्लू इन्फेक्शन लगातार देखा जा रहा है, जिला एमएमजी में भी काफी भीड़ है, प्रतिदिन बात करें तो कितने प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं? 200 से 250 पेशेंट आ रहे हैं डेली आई फ्लू में। मुख्यतः लक्षण की बात करें तो इसमें मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण आँख में दर्द, पानी, नरमी और आँख में से कोई कुछ ही चली गई है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। बचाव की बात करें तो इस बीमारी से किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है? बचाने की भीड़ भाड़ स्थल पर जाएं, जिसको बीमारी होगी उससे दूर रहें, सफाई रखें। मैं आपका जिला एमएमजी अस्पताल आप आए हैं, किस समस्या को लेकर आए हैं? समस्या ये आंखों में जलन हो रही है और आंख लाल पड़ रही है, जब चश्मा हटा लेते हैं तो दिखाई दे नहीं देता, और बहुत से जैसे आंख के अंदर जो रेत चला जाता है ना, चुभता है, ऐसे हो रहा है और उससे शरीर के लिए असर पड़ रहा है, शरीर थका थका सा, मरा मरा सा हो रहा है, ये परेशानी हो रही है। अब यहाँ आए हुए जल्दी से नंबर ही नहीं आता, पहले से इतनी भीड़ हो रही, देखने वाले पता ही डॉक्टर क्या करते रहते हैं।